इसका नाम है Realme P1। ये है Realme की नई परफॉर्मेंस सीरीज का सबसे पहला मेहमान, जो कि क्लेम करती है कि प्राइस को लेकर के सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस ये लोग देंगे। लेकिन अगर इसी सेगमेंट में देखा जाए तो हमारे पास एक और धुरंधर है, नाम है इसका Vivo T3। अब इन दोनों में से कौन सा डिवाइस आपके लिए ज्यादा सूटेबल होने वाला है, अगर 20,000 के आसपास वाले बजट में आप एक अच्छा फोन अपने लिए ढूंढ रहे हो, चलो पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो Vivo T3 का डिजाइन से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, थोड़ा बहुत देखने में ये ऐसा लगता है जैसे Samsung S23, S24 सीरीज से इंस्पायर्ड होकर के ये कैमरा का एरिया यहाँ पर आया हुआ है। Whereas अगर आप Realme P1 को देखोगे ना, तो ये डिजाइन जो कैमरा मॉड्यूल है ये थोड़ा बहुत Realme 12 सीरीज से इंस्पायर्ड है, बट ये वाला जो पैनल का फिनिश है ना ये स्लाइटली नया है, एंड ये देखने में टू बी ऑनेस्ट काफी बढ़िया सा लगता है। दोनों डिवाइसेस बॉक्सी डिजाइन के साथ आते हैं, दोनों में ही आपको इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इनके डिस्प्लेस के बारे में। दोनों में ही आपको काफी सिमिलर सा सेटअप देखने मिल रहा है, 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। दोनों डिवाइसेस में आपको स्क्रीन कलर चेंज करने की सेटिंग्स मिल जाती है। Realme में तो इनफैक्ट आपको और थोड़ा डिटेल्ड कुछ सेटिंग्स मिलती है जैसे सिनेमैटिक और ब्रिलियंट, बट फॉर दिस वीडियो हम नेचुरल रखेंगे और यहाँ पर डिफॉल्ट रखेंगे कलर्स को, एंड देन उसके बाद कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं पता लगाने के लिए कि डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है। दोनों ही डिवाइसेस में आपको 2160 का क्वालिटी मिल रहा है इन YouTube, वो भी HDR के साथ। तो एक बार सेलेक्ट करते हैं और प्लेबैक चला करके देखते हैं कुछ लैग वैग आ रहा है क्या। और भाई दोनों ही डिवाइसेज में पहले तो थोड़ा सा लैग हुआ था, बट अभी के लिए हमारे Vivo T3 ने बोला कि नहीं मैं लैग नहीं हूँ, whereas हमारा परफॉर्मेंस चैंप थोड़ा सा लैग हो रहा है यहाँ पर। अब 1080 पर सेम मीडिया प्ले करने के बाद कलर्स की अगर बात करें तो देखो काफी हद तक ये नोटिस हो रहा है कि Realme P1 को वार्म टोन ज्यादा पसंद है, हर पिक्चर में थोड़े से रेड टेंट्स इसने ज्यादा डाले हुए हैं। वर्सेस अगर आप Vivo T3 को देखोगे ना तो इसका कलर थोड़ा हमें ज्यादा बेटर लग रहा है। क्लैरिटी कंट्रास्ट हाईलाइट वाइज दोनों ठीक हैं, बस ये कलर साइंस जो है ना इन दोनों की वो काफी ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, जहां पर क्लियरली Vivo T3 थोड़ा सा ज्यादा पंची है। डिजाइन और डिस्प्ले की तो बात ठीक है, लेकिन असली मुद्दे की बात करते हैं यानी कि परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले हम कुछ बेंचमार्क्स वगैरह रन करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद कुछ और थोड़ी बहुत टेस्टिंग करेंगे और पता लगाएंगे कि इनमें से बेटर कौन सा परफॉर्म कर रहा है। Geekbench ओपन करते हैं दोनों डिवाइसेस में, टेस्ट रन करते हैं 3, 2, 1। आ चुके हैं स्कोर्स, यहां पर हमारा क्लियर विनर है Vivo T3 जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है Realme P1 से। भाई सिंगल कोर में तो ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ मल्टी कोर में हमारे P1 ने काफी फिर भी थोड़ा सा इसको दबाने की कोशिश करी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि Vivo T3 में आपको मिलता है Dimensity 7200 प्रोसेसर, whereas अगर बात करें Realme P1 की तो इसमें आपको मिलता है Dimensity 7050 प्रोसेसर। अब ये Realme P1 का Dimensity 7050 जो प्रोसेसर है ना, ये बोला जा रहा है कि फास्टेस्ट इन द प्राइस सेगमेंट है, लेकिन अगर प्राइस सेगमेंट से थोड़ा सा भी बाहर जाएंगे ना तो इतना तो हमें देखने में आ गया कि हाँ भाई बाकी धुरंधर बैठे हुए हैं अभी के लिए तो। बट इट वोंट बी फेयर अगर हम सिर्फ एक बेंचमार्क के बेसिस पर अपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लें। तो चलो Antutu भी ओपन करते हैं, इसको भी रन करते हैं, एंड देन पता लगाते हैं कि किसका स्कोर ज्यादा आता है। आ चुका है दोनों का स्कोर यहाँ पर सामने, करीब करीब 2 लाख का डिफरेंस है। बट वन थिंग टू नोटिस हियर इज भाई जो हमारा P1 है ना, इसके अंदर आपको 3D बेंच लाइट मिलता है, whereas हमारा Vivo T3 में नॉर्मल 3D बेंच चलता है। तो ये डिफरेंस ना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो टू सॉर्ट थिंग्स आउट, ये कुछ एप्लीकेशन हैं जिनको हम डेली बेस पर यूज करते हैं, इनको एक बार ओपन करते हैं और देखते हैं दोनों ही फोन्स में कौन सी ऐप पहले ओपन होती है। वैसे तो मोस्टली सभी एप्लीकेशन पहले Vivo T3 ने ओपन करी, लेकिन हाँ एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, कुछ एप्लीकेशन जैसे कि Instagram और आपका क्रोम और Antutu, इनको पहले Realme P1 ने ओपन किया था। अब क्योंकि ये थोड़े से वार्म हो रखे हैं दोनों ही फोन्स पूरी टेस्टिंग के साथ, तो चलो टेम्परेचर भी एक बार देख लेते हैं। एम्बियंट टेम्परेचर रूम का इस टाइम है अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस, वीवो पर आते हैं तो भाई 42 के आसपास इसका टेम्परेचर जा रहा है, 41-42 के आसपास। और अगर Realme P1 पर आएँ तो ये भी 41 के आसपास हैं, तो दोनों में ऐसा कोई मेजर हीटिंग इशू भी नहीं है। अब सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो परफॉर्मेंस से लेके एक्सपीरियंस काफ़ी सारी चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है। अगर इन दोनों फोन्स की बात करें तो जहाँ पर आपको Vivo T3 में मिल रहा है फ्रंट टच OS 14 जो बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पर, वहीं पर आपको Realme P1 में मिलेगा Realme UI 5.0 जो बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पर। दोनों ही वैसे तो लेटेस्ट एंड्रॉइड पर बेस्ड है, लेकिन अगर UI और क्लीनलीनेस की बात करें ना तो भाई दोनों में ही आपको ठीक ठाक अमाउंट के ब्लोटवेयर देखने मिल जाते हैं, इवन हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस यहाँ पर होने वाली है कि आपको इन दोनों में से कौन सा UI पसंद आया। वैसे तो दोनों ही काफी स्मूथ हैं, दोनों ही काफी फ्लूइड हैं, एंड एज सच डे टू डे यूजेज में
कहीं पर भी लैग्स एंड जिटर्स वगैरह हमने इनमें नोटिस नहीं किए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों के कैमरास के बारे में, जहां पर आपको Vivo T3 में मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। ये जो तीसरा वाला आप देख रहे हो, दैट इज अ फ्लिकर सेंसर, नॉट अ कैमरा सेंसर। तो 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा जो OIS के साथ आता है, और साथ में है 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा। वहीं पर अगर Realme P1 की बात करें तो भाई वंस अगेन ये डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है कि जैसे इसमें 4 कैमराज है, बट इसमें भी आपको 2 ही कैमराज देखने मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विद OIS और साथ में है 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा। वेरास अगर फ्रंट की बात करें तो दोनों में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। चलो अब कुछ सैंपल्स देखते हैं, जहां पर एक हद तक ये बोला जाएगा कि ये दोनों सेम सा ही आउटपुट डिलीवर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी। लेकिन एक चीज जरूर है, Realme P1 में आपको ज्यादा कंट्रास्टी पिक्चर्स मिलते हैं। Vivo T3 के पिक्चर्स ट्राई टू इल्यूमिनेट द फ्रेम, वेरास P1 क्या करता है जितनी भी लाइट है उसको इंटैक्ट रखता है। ये सुंदर सी स्लीपिंग डॉगी वाली फोटो देखो, इसमें पीछे ग्लास को नोटिस करो, उसमें डिटेल्स आपको काफी ज्यादा Realme P1 में देखने को मिलेंगी। और ये फोटो देखो जिसमें भैया फोन पर बात करते हैं और पोज कर रहे हैं, चाहे इसमें ग्रास के ग्रीन्स देखो या फिर वॉल के रेड, Realme P1 में दोनों चीजें ज्यादा हाईलाइटेड है। तो हाँ, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी ये बोला जा सकता है कि Realme P1 इज डूइंग स्लाइटली बेटर जॉब देन Vivo T3, क्योंकि ये डिटेल्स एंड कलर्स को ठीक ठाक बूस्ट कर रहा है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा सकता है कि अगर आपको अपनी पिक्चर्स वगैरह खुद एडिट करने का शौक है तो मे बी Vivo T3 विल बी अ बेटर डिवाइस फॉर यू। बैटरी ऐसा सेगमेंट है जो कि दोनों ही फोन्स में काफी हद तक सिमिलर है। दोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, दोनों ही वन डे फोन्स हैं, लगभग 6-7 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम होगा। एंड अगर अडाप्टर्स की बात करें तो जहां पर आपको Vivo T3 के साथ मिलता है 44 वॉट्स का फ्लैश चार्ज अडाप्टर, वहीं पर आपको Realme P1 के साथ में मिलता है 45 वॉट्स का चार्जिंग अडाप्टर। ये दोनों ही लगभग 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लेंगे 0 से 100% होने में, बट एक बार अगर जब फुल चार्ज हो जाएंगे तो आपको अच्छा खासा स्क्रीन ऑन टाइम दे देंगे। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन इन दोनों ही डिवाइसेस का। अगर आप 20,000 के आसपास में फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो ये दोनों काफी इंप्रेसिव चॉइसेस हो सकते हैं। कमेंट में हमें बताओ आपके यूजेज के हिसाब से आपको कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगा, Vivo T3 या फिर Realme P1। तो अब ओवरऑल वर्डिक्ट को देखें तो देखो दोनों फोन्स वैसे तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जहां पर Vivo T3 भले ही Realme P1 से 3-4 हजार रुपए महंगा है, लेकिन बॉस Realme P1 ने भी कहीं पर भी बाजी नहीं हारी है। इनफैक्ट एक दो चीजें जैसे कि बैटरी, चार्जिंग सॉफ्टवेयर एंड इनफैक्ट कैमरा में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही परफॉर्म करने की कोशिश की है इसने, लेकिन अपर हैंड डेफिनेटली Vivo T3 के पास ही है एक दो जगह को छोड़कर। दोनों में से कौन सा डिवाइस आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहा हमें कमेंट्स में जरूर नीचे बताओ। साथ ही वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो साथ में लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना उनका भी भला करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।